नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के एक युवा ने केदारनाथ जाने की ठानी। वो केदारनाथ गए और आज वापस लौटे। उनके लौटते ही गोगुंदा में गांव के लोगों ने उनका बस स्टैंड पर स्वागत किया। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यह है गुंजन वैष्णव। ये दिन था 18 नवंबर का, शनिवार था। साइकिल पर केदारनाथ की यात्रा कर गोगुंदा लौटे यात्री गुंजन वैष्णव का कस्बे वासियों ने भव्य स्वागत किया। यहाँ पर आतिशबाजी की गई। गोगुंदा का ये रामदेव चौगान है। सुबह गोगुंदा पहुँचे गुंजन वैष्णव ने पौराणिक महादेव मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद रामदेव चौगान में पहुँचने पर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी के नेतृत्व में युवाओं व कस्बे वासियों ने फूल मालाओं व मेवाड़ी पगड़ी से इनका स्वागत किया। खुशी आप देख सकते हैं, इनके जितने साथी हैं उन्होंने यहाँ पर पटाखे फोड़े हैं। इनके समाजजन यहाँ पर मौजूद रहे। परिजन और समाजजन गोगुंदा के चौगान में आए। यहाँ पर तिलक लगाकर और कलश बंधवा कर जो है उसका स्वागत किया गया। इस दौरान यहाँ पर फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जाला, रमेश वैष्णव, दीपेश नंदावत, नवीन पालीवाल, अनमोल दीक्षित व दीपेंद्र सिंह सहित कई युवा और ग्रामीण मौजूद थे। परिजन व मोहल्लेवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा भी निकाली। शोभा यात्रा निकालते हुए गुंजन वैष्णव को घर पर पहुंचाया। 16 अक्टूबर को गोगुंदा से केदारनाथ की यात्रा आरंभ की थी। गोगुंदा से केदारनाथ के बीच 1300 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ साथ प्रमुख तीर्थ स्थलों व शहरों में भी इन्होंने भ्रमण किया। इन्होंने बताया कि 10 नवंबर को केदारनाथ ये पहुंचे, इस बीच 1700 किलोमीटर की दूरी तय की। जानकारी के अनुसार आम तौर पर यात्री गोरीकुंड के समीप अपनी साइकिल खड़ी कर पहाड़ों की पगडंडियों पर पैदल चलते हुए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन गुंजन वैष्णव ने गोरीकुंड में साइकिल खड़ी नहीं की। वो गोरीकुंड से साइकिल को अपने साथ ले गए और गोरीकुंड से केदारनाथ के बीच ऊंची पहाड़ियों के पगडंडी रास्ते पर एक दिन में 16 किलोमीटर का रास्ता तय किया। साइकिल के साथ में इनके साथ 45 किलो वजन था। और आखिरी दिन जब वो गोरीकुंड से केदारनाथ पहुंचे थे तो सुबह 7 बजे रवाना हुए और 7:30 बजे केदारनाथ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वहां 6 दिन और 5 रात रुके, इसलिए कि उनको मंदिर का पट बंद होने का इंतजार था। उन्होंने पट बंद होने तक वहां इंतजार किया और पट बंद होने के बाद में जब बाबा की पालकी ऊपर से नीचे आती है तो उस यात्रा में भी ये शामिल रहे। उदयपुर टू केदारनाथ 1300 किलोमीटर साइकिल ट्रिप जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्होंने की है। और इसी के साथ इनका यूट्यूब चैनल भी है, मेवाड़ी ट्रैवलर, और मेवाड़ी ट्रैवलर के नाम से इंस्टा आईडी भी है। वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं कि ये कैसे वहाँ पर पहुँचे और कितनी चुनौतियाँ रही। गुंजन जी नमस्कार, कैसा लगा यात्रा, कैसी रही? काफ़ी अच्छी रही सर। जाना कितना चुनौतीपूर्ण था और कहाँ कहाँ पर ऐसा लगा कि यार अब तो ठहर जाएं, एक बार चलते हैं? जब मैंने यहाँ से यात्रा शुरू करी थी तब लगभग 2-5 दिनों तक ऐसा लगा था कि इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। पर बस वही पीछे सारी हार को देखता था, अगर जाऊँगा तो वापस किस मूड से जाऊँगा। जो किस किस जगह पे लगा ऐसा कि यार आज ऐसा लग रहा है कि नहीं घर चले जाना? देवगढ़ के आसपास मुझे ऐसा लगा था, जो कि 125 या 160 किलोमीटर की यात्रा है। देवगढ़ वही, और एक दिन रात को ऐसा लगा जब मैं लेट नाइट साइकिल चला रहा था अपने मेरठ के आसपास, तो मुझे आसपास मुझे ऐसा लगा उनका एक थोड़ा सा शहर इस तरीके से साइकिल पे जाना। हाँ, इस तरीके से साइकिल पे जाना, पर वो कुछ टाइम तक के लिए था। हाँ, तो आमतौर पर जो भी लोग रामदेवरा की पैदल यात्रा पर जाते हैं और उनको जो 4th दिन 5th दिन 6th दिन जैसा लगता है वैसा इन्हें भी लगा। देवगढ़ के पास में इन्हें लगा कि मुझे घर लौट जाना चाहिए, उसके बाद मेरठ के बाद भी इन्हें लगा कि अब मुझे घर लौटना चाहिए, ये गलत डिसीजन था, क्योंकि पूरी ताकत जो है इसमें लगा देनी पड़ती है और कहीं 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 हौसला जो है वो कम होता जाता है। लेकिन आपको लोगों का किस तरीके से स्नेह मिला या उत्साहवर्धन लोग कहीं पे करने को मिले ऐसा? अपने राजस्थान का सबसे अच्छी बात ये कि काफ़ी मतलब मेलजोल वाले लोग हैं। कहीं पे भी कोई भी मुझे देखता था तो हमेशा स्टे के लिए मतलब इनवाइट करता था अपने घर पे, या फिर कुछ भी खाने के लिए, मतलब जिस भी तरीके से वो मेरी मदद कर सकता था। अपने राजस्थानी जब तक राजस्थान में था तो सभी लोगों ने काफ़ी मदद करी, उसके आगे भी काफ़ी लोगों ने मेरी मदद करी। ऐसा नहीं है कि बाकी के स्टेट में नहीं था, पर राजस्थान में हॉस्पिटैलिटी जिस प्रकार से थी वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी। तो भैया, ये जो आप रामदेवरा जाते हैं या कहीं पर भी पद यात्रा करते हैं और जो चैलेंजेज आते हैं वैसे इनके साथ भी आए, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज वो था
जो आप मंदिर से ऊपर जो हम चढ़ाई चढ़ते हैं झील से ऊपर की ओर जो जब हम चढ़ रहे हैं तो जो पथरीला रास्ता पगडंडी वहाँ पर पैदल चलना इतना मुश्किल होता है, वहाँ साइकिल कैसे लेके गए आप? सर जब मैं घर से निकला था ना तभी मैंने एक बात बोली थी कि अगर तुमने मुझे लाखों में चुना ना तो इस करोड़ों की भीड़ में तुम्हें खोने नहीं दूंगा था। और वही बात कि पूरे रास्ते ही साइकिल ने मतलब मेरा साथ में गया तो अब वक्त था उसका साथ देने के। तो यही तो वो कितने किलोमीटर की यात्रा है जब आपने साइकिल का साथ दिया? वो लगभग 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर यात्रा ऐसी ऊंचाई वाली थी जिसपे सीढ़ी नुमा जगह है वो सारी और फिसलन वहाँ रहती है, काफी पथरीला वो रास्ता है। जो लोग गए हैं केदारनाथ वो तो जानते ही हैं कि पैदल चलना वहां पर इतना मुश्किल होता है। वहां पर ये जिद्दी आदमी अपनी साइकिल को लेकर ऊपर चढ़ा। साइकिल को लेकर चढ़ते समय भी ऐसा लगा कि 2-4 किलोमीटर चढ़े यार अभी इसको रखना चाहिए? नहीं सर, उस समय तो यूँ समझो आप में हर महादेव के बस नारे यूँ गुंजा रहा था। मेरे आस पास की जितनी पब्लिक थी बस वो भी ये कर रही थी और जो मेरे साथ में चढ़े थे ना मैं उनसे कम से कम 1 घंटे से पहले ज्यादा पहुंच गया था। जो लोग मतलब बिना एक अलग ही शक्ति चल रही थी उस समय के लिए, मतलब मुझे खुद को नहीं पता लग रहा था। जो आदमी मेरे साथ में चल रहे थे उनसे 1-1.5 घंटे पहले पहुंच गया मेरे साथ में। रास्ते वालों मतलब चलने वालों ने घोड़े कर लिए थे और घोड़ों से भी पीछे आ रहे थे और इस साइकिल को मैं ऐसे ही उठा के चल रहा था उस समय। खाने पीने का क्या रूटीन था डेली का? खाने पीने का मोस्टली मैं जैसे यहाँ से निकला था तो जैसे अगर मैंने नाइट स्टे पुलिस स्टेशन में कर लिया था पुलिस की मेस में मैं खाना खा लेता था और कभी मुझे बाहर से खाना खाने की इच्छा हो जाती थी तो मैं बाहर से खाना खा लेता था। और फिर इससे आगे उत्तराखंड से आगे चले तो फिर मेरे साथ में एक्सपीरियंस होल्डर साइकिलिस्ट भी थे तो उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस दिया कि आपको कैसे मैनेज करना चाहिए क्योंकि आप अभी छोटी ट्रिप पे हो तो आप बजट को ऐसे मैनेज नहीं कर रहे हो, अगर आप कभी लंबा चलोगे तो बजट को मैनेज नहीं कर पाओगे उस कंडीशन में। तो उन्होंने काफ़ी नई ट्रिक्स बताई जिसकी वजह से जैसे गुरुद्वारे में स्टे करना, गुरुद्वारे में खाना खाना, आगे जैसे लंगर से और कोई भी है अपन को मतलब इन्वाइट कर रहा है तो उनके यहाँ जाके हम खाना खा रहे हैं उस प्रकार से ऐसा सर। और क्या रहने के लिए तो सर सभी प्रकार की मतलब जैसे बता रहा हूँ आगे हॉस्पिटल लेने की ऐसी कोई भी इशू नहीं था, सभी जगह गुरुद्वारे थे। नहीं होता तो कोई भी मंदिर फैसिलिटी होती है वो जाती थी राजस्थान के सारे पुलिस स्टेशन थे। और उसके आगे मेरे पास में सेल्फ मेरा टेंट था तो कहीं पर मुझे सेफ प्लेस लगता था तो मैं टेंट वही साथ में कैरी कर रखा था तो टेंट लगा के वही स्टे कर लेता था। एक दिन का कितना आपने प्लान किया, कितने किलोमीटर चलना चाहिए? सर प्लान तो लगभग मैं मतलब 70-80 किलोमीटर के अराउंड आसपास की ही थी मेरी 70-80 के आसपास। पर जब जैसे जैसे मैं चलने लगा तब मुझे पता लगने लगा कि ये अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, आपकी बॉडी की एनर्जी कैसी है, आप कितने बजे निकले हो, रोड कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। सुबह आप निकल रहे हो तो शाम को कहाँ स्टे होगा ये आप पहले गूगल से देख लेते हैं? हाँ जी मैं देख लेता था रास्ते का भी मतलब देख लेता था रास्ता कैसा है और उसके बाद में कितने किलोमीटर का है तो मोस्टली मैं अगर सुबह माइंड सेट बना लेता था ताकि चलने में थोड़ा सा ईजी रहता था। जैसे मैंने दिल्ली से बनाया था कि दिल्ली से हरिद्वार लगभग 250 किलोमीटर है तो उसमें मैंने एक दिन 125 और एक दिन 138 किलोमीटर का सफ़र किया था। तो उस दिन मतलब पहले से ही मैंने माइंड सेट मतलब ब्लॉग थ्रू तो मैंने कमी डेस्टिनेशन करी थी क्योंकि अगर नहीं पहुँच पाए तो वो इमेज खराब हो जाती है ऐसा वो सीन। पर मेरी मन की जो डेस्टिनेशन थी वो मुझे पता था हाँ मैं इतना क्रॉस कर लूँगा और उतने ही जिस जगह मैंने मतलब प्लान किया था मन में कि आज मैं 125 निकाल दूँगा तो निकाल दिया मैंने उतना रास्ता मैंने। आपको रिस्पॉन्स पता लगता है कि कैसा कर रहा हूँ मैं दूसरे से क्या किसी का एक मतलब ये एक तरीके का सर्फ का बनना दुनिया में इसके लिए कोई जगह है ही नहीं। मतलब अगर सही कल्चर देखा जाए ना तो उसमें मतलब लोग इस प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं और मेरे मन में था मुझे करना था मैंने करा तो उस तरीके से देखता था मतलब पीछे से लोग क्या कह रहे हैं क्या चल रहा है मतलब पता तो लगता था ना। एक उत्साह भी था कि गुंजन अभी परसों वापस आ रहा है। हाँ ऐसा था भी था मतलब ईमानदारी से मुझे नहीं पता भगवान महादेव जी की कसम किसने क्या बोला पर मतलब इटली मुझे किसने बोला कि हाँ भाई ऐसा चल रहा है तो ये मन में मेरा था कि नहीं यार इस इमेज को तो अपन को सही करनी पड़ेगी। तो एक बार आप बताएंगे आप साथ क्या क्या लेके गए थे? जी यहाँ थोड़ा सा आगे लेते हैं सरपंच करण सिंह जाला जी और वर्तमान उप सरपंच लाल कृष्ण जी सोनी स्वागत के लिए आए हैं और यही है जिससे उत्साह वर्धन तो होता ही है साथ में एक जो यात्री है जो सद्भावनापूर्ण एक धार्मिक यात्रा करके आए हैं तो उनका स्वागत तो गांव के लिए बनता है।
जो जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करण सर क्या कहेंगे? बहुत बधाई आपने और लखन जी के माध्यम से इस गोविंदा को एक नई पहचान मिलेगी और क्षेत्र में मैं सोचता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आपकी वजह से गोविंदा को एक नया नाम मिलेगा और कीवर्ड में जब गोविंदा सर्च करेंगे तो गुंजन वैष्णव का भी नाम उसमें मौजूद रहेगा। बधाई के साथ एक चीज में जो मेरे मन में आई है वो नया विचार ये कि लोगों को साइकिल चलाने का प्रोत्साहन मिलेगा। साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स भी है, फिजिकल फिटनेस के लिए भी है। साइकिल से लोग दूर होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी जितने भी भाई छोटे खड़े हैं सब आपसे प्रेरणा लेंगे और साइकिलिंग से जुड़ेंगे। और लखन जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आप और गुंजन जी गोविंदा के अंदर एक साइकिल क्लब खोलो और आप खुद साइकिल प्रेमी हैं। लखन जी मैंने आपको साइकिल चलाते हुए देखा है खुद और साइकिल स्वास्थ्य के लिए फिटनेस का तो एक सबसे बढ़िया माध्यम है ही है जो सारे शरीर की मसल्स को एक बार में मजबूत करने का काम करती है। ये जानकर करण सा कैसा लग रहा है कि साइकिल लेके केदारनाथ ऊपर तक उस पहाड़ी पे जहां लोग खच्चर से जाते हैं वहां तक साइकिल लेकर ये गए, ये सुनकर अपना आप में आपको क्या फीलिंग? सोचता हूँ कि ये रोमांचित करने वाला घर से भरा पुनर है और गोविंदा को गौरवान्वित करने कितना साहस का था। ये एक साहसिक पल रहा होगा। वो ऑक्सीजन की कमी रहती है, इतने समय तक चलाना, आप पहले से थके हुए हो, 1000 किलोमीटर पहले से चढ़े चल थके हो, उसके बाद आपको चढ़ाई पे जाना है और ऑक्सीजन तो निश्चित रूप से जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। परंतु आप शुरू से ही कसरत के प्रेमी रहे, जिम को चलाए हुआ तो आपको मालूम है कि फिटनेस कैसे की जाती है जी। और इनका एक अनुभव काम तो आई होगा पुराना, इसी वजह से इस साहसिक फोन को काम करते रहे और नए युवा इनसे प्रेरणा लेंगे और भविष्य में हो सकता हूँ कि एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे और साथ में गोविंदा के और युवा भी प्रेरणा लेंगे और साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स के रूप में आगे बढ़ेगा मैं सोचता हूँ। सोनी जी शॉल लेके आए हैं उत्तर प्रदेश गोविंदा और एक फोटो तरीके से जो है आज सैकड़ों फोटो ऐसे खिंचवाए गए हैं जो एक इतिहास बना है आज। अब हम देखेंगे कि गुंजन जी की साइकिल पर क्या क्या था, बुक में क्या क्या लेके गए, लोगों को भी इससे मतलब हो सकता है कि हमारे कैमरामैन गागा भी अगली बार साइकिल लेके जाए तो क्या क्या साथ में ले जाना होता है वो आराम से दिखाएंगे। हाँ तो इसमें क्या है? ये बंजी कॉर्ड है, मोस्टली जितने ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं बंजी कॉर्ड को तो ये ऋषिकेश उस साइड में सबसे ज़्यादा मिलती है, वहाँ ट्रैवलर्स सबसे ज़्यादा आता है। तो मुझे भी मेरे ट्रैवलर फ्रेंड ने सिखाया था इस बंजी कॉर्ड को कैसे बांधते हैं। ट्रैवलिंग में जितना भी सामान बांधा जाता है वो रस्से से नहीं बांधा जाता है, बंजी कॉर्ड से बांधा जाता है। ये तो ये उन्हीं के दोस्तों का एक्सपीरियंस है मेरे कुछ। तो आप देखें ये इस तरीके से अब साइकिल को थोड़ा पीछे ले लेते हैं, साइकिल पे देख लेते हैं क्या क्या है। ये एक बॉक्स है, ये साइकिल बैग मेरा साइकिल बैग है। हाँ मोस्टली जितने डॉक्यूमेंट्स और वगैरह तो सारे जितने भी फोन और यूज़ करता हूँ नेविगेशन के लिए सारा इससे यूज़ करता हूँ। ये साइकिल का साइड बैग्स है तो जितना लगेज कैरी करना होता है जिसमें मेरी एयर मैट्रेस साइकिल बन जाता है। अब आप इधर तो ये जो गुंजन टोटल वेट इनका जो है वो कितना होगा? लगभग अराउंड 45 किलो वजन साथ में लेके चल रहे थे। ये टेंट के ट्रेनिंग में सबसे इजीएस्ट टेंट आता है, यह टेंट का ओके। हाँ हाइड्रोलिक बाकी मोस्टली जितने भी टेंट आते हैं उसके अंदर एक क्लिप्स आती है पर ये टेंट की ये हाइड्रोलिक है तो बस टेंट के अंदर सब में हाइड्रोलिक है तो इस तरीके से बहुत इजी है। तो इस तरीके से गुंजन अपना जगह जगह पे कैंप लगा देते और फिर इसके अंदर आराम से जिसके वो सो सकते हैं बिस्तर कर देते और फिर जाली लगा देते ताकि मच्छर वच्छर ना आए। ठीक है ये कैंप है। और ये किसके लिए चाहिए? ये सर पंप हो रहा है साइकिल के लिए, पंप हो रहा है। हां और साइकिल का सारा एक्स्ट्रा सामान पंचर बनाने के लिए। अच्छा पंचर की जरूरत पड़ी कहीं? हां पर जब से मैंने ये किट कैरी किया उसके बाद से तो नहीं पड़ी थी। उससे पहले एक्स्ट्रा ट्यूब अगर रास्ते में कोई ट्यूब फट जाए तो कहाँ पड़ा, कहाँ पंचर हुआ? लगभग सर मैं दोसा से साइकिल पंचर होना कुछ फास्ट शुरू हो गई थी। हाँ बिल्कुल। कितनी बार हुई? लगभग दिन में लगभग 3 बार पंचर हो रही थी तो वो बहुत ही वो भी बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। जितना मैं इरिटेट करता है फिर इसके
चार्जर, लैपटॉप और कुछ सामान और एक हाँ इसके लिए। लैपटॉप के लिए फिर आपको समय मिल पा रहा था क्या, क्योंकि हाँ सफर करना डेटा के लिए फिर डेटा और मैंने सोचा था अगर एडिटिंग थोड़ी सी अगर अच्छे से करूँगा एक्सटेंशन बोर्ड और एक पोर्टेबल बैग कहीं कोई भी अगर मान लो मैं ट्रिप करने के लिए जा रहा हूँ पोर्टेबल बैग सारा सामान लगेज रख के एक्स्ट्रा स्लीपर और ये एयर मैट्रेस है जो गद्दा बन जाता है मेरा और ये मेरा रेनकोट। रेनकोट की जरूरत पड़ी नहीं, रेनकोट की केदारनाथ ऊपर ही पड़ी थी जब साइकिल लेके चढ़ रहे थे तब। हाँ जी वहाँ थोड़ा सा बारिश का सीन रहता है। ये सबसे बड़ा वाला बैग इसमें क्या है? इसके अंदर मैं एक स्लीपिंग बैग है जो -30 डिग्री तक टेम्परेचर में सो सकता हूँ। इसमें भी लगभग 6-7 किलो ये क्या है, बैटरी वगैरह मोबाइल वगैरह सारा जितना भी गैजेट्स है और ये स्लीपिंग बैग हो गया पूरा। ठीक है समझ में आ गया। इसके अंदर है ये एक्स्ट्रा एक और रेनकोट कि अगर कहीं पे मतलब रफ एंड यूज है तो फट वट नहीं जाए इसलिए तो अगर फटने वटने की देर तो ये तो ये यहाँ से कैरी करके लिया या फिर जैसे जरूरत पड़ती गई। ये रेनकोट ऐसे मेरे पास में स्लीपिंग बैग जब मैं घर से निकला था तब 0 डिग्री का स्लीपिंग बैग था तो जब मैं ऋषिकेश क्रॉस किया तब मेरे को दोस्तों ने बताया कि वो स्लीपिंग बैग तो वहाँ काम नहीं करेगा तो वो स्लीपिंग बैग मैंने घर पर पार्सल करवा दिया और ये नया स्लीपिंग बैग वहाँ से खरीद रहा था। ओके थैंक यू। तो ये थे गुंजन वैष्णव, उनका सारा सामान हमने बिखरवा दिया एक बार यहाँ पर। तो लोग तो देख रहे हैं शायद इनमें से कोई केदारनाथ जाए और आप भी जाएँ तो ये चीज़ें साथ ले जाएँ। धन्यवाद।